हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले हैं WBBL के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है ब्रिस्बेन हीट वुमन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स वुमन्स, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच दोपहर को 2:10 पे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है रे मिचेल ओवल स्टेडियम मकाई में, ठीक है? तो फर्स्ट मैच है, दोनों टीम्स की प्लेइंग इलेवन, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ आपको मिलने वाला है। कौन से ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स है जो आपके लिए गेम चेंजर बनेंगे, बहुत कुछ आपको वीडियो में भी मिलेगा। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल भी वीडियो को ड्रॉप मत करना। आगे बढ़ने से आपको करना कि आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है। रेगुलर सब कुछ आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। पूरा WBBL हम लोग कवर करने वाले हैं, फिर वर्ल्ड कप आने वाला है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। ओके, बढ़ते आगे, बात करते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो मकई की पिच है ना, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है? फ्रेश पिच रहेगी, बहुत टाइम के बाद मैचेस हो रहे हैं तो पेस रहेगा, बाउंस में रहेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पेसर्स को हेल्प मिल सकता है विद न्यू बॉल, बट पेस और बाउंस तो डेफिनेटली होगा। रन बन सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में विकेट्स आपको जाने जाते हुए दिख सकती है, ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे। वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पिनर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ओके, बढ़ते आगे, बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के बारे में। तो सिडनी सिक्सर्स की कैप्टन है एलिस पेरी, और कुछ इस तरीके से इनकी प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर रहनी चाहिए। जस्ट कि एलिस पेरी मुझे लगता है नंबर 3 पे आ सकती है, एशले गार्डनर नंबर 4 पे आ सकती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एशले गार्डनर का रोल रहेगा। अगर ये दोनों स्टार्ट अच्छा करते हैं, अलिसा एलिस उजी बैट्स, तो एशले गार्डनर आपको प्रमोट होती हुई मिल जाएगी बड़े शॉट्स के लिए। और अगर जल्दी विकेट जाएगी तो फिर एलिस पेरी आएगी, और जल्दी विकेट जाएगी तो एरिन बर्न्स आ जाएंगी, उसके बाद एशले गार्डनर गार्डनर आएगी। तो गार्डनर का रोल, गार्डनर की बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? अब इस टीम में बेस्ट प्लेयर देखो, अलिसा एलिस, सुजी बैट्स, एशले गार्डनर, एलिस पेरी, ये जो इनके टॉप 4 प्लेयर्स हैं, बहुत सॉलिड प्लेयर्स हैं। इनमें से 2 तो ऑलराउंडर्स हैं, एशले गार्डनर और एलिस पेरी, ठीक है? एरिन बर्न्स भी एक अच्छी प्लेयर है, ऑलराउंडर है। निकोल बोल्टन है, सोपी एक्लेस्टन, ठीक है? ये इनकी 5th मेन बॉलर, मेन प्लेयर एक्चुअली, फ्रॉम इंग्लैंड, नंबर 1 T20I बॉलर है, तो समझ ही सकते हो कितनी बढ़िया प्लेयर है और बैटिंग भी कर लेती है। फिर पेसमैन के पास मैटलिन ब्राउन है, स्टेला कैम्बेल है, लॉरेंस शिटले है और केट पैटरसन है। कुछ इस तरीके से इनके पेस यूनिट है, और एलिस पेरी भी पेसर है, तो ये नोट करके चलोगे। बढ़ते आगे, बात करते हैं इनके ओवरऑल स्टैट्स प्लस इनका रिसेंट फॉर्म। तो कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने 100 खेला था रिसेंटली, ठीक है? कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रिसेंटली डोमेस्टिक ODD खेल के आए हैं, तो वहां से आपको रिसेंट फॉर्म इन सबका पता चल जाएगा, ठीक है? तो रिसेंट फॉर्म आपको कहाँ देखना है, प्लेयर के नाम के नीचे आपको रिसेंट फॉर्म मिलता है, और उसके नीचे इनके BBL के स्टैट्स, पिछले साल के स्टैट्स, या फिर ओवरऑल स्टैट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा नोट करके चलोगे। BBL 7 मतलब लास्ट ईयर, ठीक है? जहां पे आपको BBL 7 लिखा हुआ मिल रहा है वो मतलब लास्ट सीजन है। जहां पे आपको सिर्फ BBL देखने को मिल रहा है उसका मतलब ये है कि वो प्लेयर पिछले सीजन में खेली नहीं थी, तो उसके ओवरऑल BBL के स्टार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। एलिसा हेली 100 में खेले थे, कुछ खास फॉर्म में दिखी नहीं थी, कुछ ज्यादा रन नहीं किया था, और इनका कॉमनवेल्थ गेम्स भी अच्छा नहीं रहा था। लास्ट ईयर भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, अगर देखोगे तो 13 मैचेस में सिर्फ 231 रन बनाए थे, बट ये बिग बैश लीग में बहुत अच्छा खेलती, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे। सुजी बैट्स ब्रेक के बाद आ रही है, पिछले 1-2 साल इन्होंने BBL में नहीं खेले थे, और इनका ओवरऑल अगर देखोगे BBL में 70 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, 1700 से ऊपर रन है, 28 का एवरेज रहा है, और रिसेंटली इन्होंने 5 T20 मैचेस खेले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वहां पे कुछ रन भी बनाए थे, प्लस ये 100 में भी खेली थी, वहां पे भी अच्छा किया था, और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी इन्होंने करी थी, ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग कर लेती अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, एशले गार्डनर खेली थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसके बाद ये इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ नहीं, 100 में ये थी नहीं, ODD क्रिकेट इन्होंने खेला नहीं है, बट प्लेयर बहुत जबरदस्त है, ठीक है? बड़े शॉट्स लगाती है, बॉलिंग अच्छा कर लेती है, ऑफ ब्रेक स्पिनर है, विकेट्स निकाल सकती है, तो इनका थोड़ा नोट करके चलना। लास्ट ईयर उन्होंने 12 मैच में 197 रन बनाए थे, प्लस 7 विकेट्स निकाली थी। एलिस पेरी 100 में खेली थी, अच्छा किया था, बॉलिंग कर नहीं रही थी बिकॉज ऑफ इंजरी, बट बैटिंग में अच्छा किया था, और जब टॉप ऑर्डर में आएगी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगी। लास्ट ईयर भी इन्होंने बहुत रन बनाए थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे लगता है कि ये बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर है, ठीक है? बढ़िया प्लेयर है। बॉलिंग कम करती, लास्ट ईयर भी इन्होंने बॉलिंग कम करी थी, सिर्फ 5 विकेट्स थी इंजरी की वजह से। एरिन बर्न्स भी 100 में खेले थे, 2 मैचेस खेले थे, 28 रन प्लस 1 विकेट था, और पूरे करियर में बिग बैश लीग में 1300 रन है प्लस 38 विकेट है, तो थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत बॉलिंग देती है। निकोल बोल्टन लास्ट ईयर अगर देखोगे तो करीबन 12 मैचेस में 247 रन बनाए थे, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे, और थोड़ी बहुत बॉलिंग करना जानती है। ओके, बढ़ते आगे, बात करते हैं हम लोग सोफी एक्लेस्टन की। तो ये रिसेंटली T20I खेली है इंडिया के अगेंस्ट, प्लस इन्होंने कुछ 100 के मैचेस भी खेले, बढ़िया प्लेयर है, नंबर 1 T20I बॉलर है, तो समझ ही सकते हो, प्लस बैटिंग कर लेती है, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे। फर्स्ट टाइम आपको बिग बैश लीग में खेलती हुई दिखने वाली है। मैटलिन ब्राउन लास्ट ईयर उन्होंने 13 मैचेस में 8 विकेट्स निकाली थी, ठीक है?
और रिसेंटली ओडीडी क्रिकेट खेल के आई, तो ये नोट करके चलना, अच्छी पेसर है। स्टेला कैम्बेल पिछले 3 ओडीडी मैचेस में 3 विकेट से, लास्ट ईयर उन्होंने 6 विकेट 12 मैचेस में निकाले थे। लॉरेन चिटले ने लास्ट ईयर 8 मैचेस में 10 विकेट्स निकाली थी, इनका थोड़ा सा नोट करके चलना, ये गेम चेंजर है। केट पेटरसन लास्ट ईयर 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट था, वैसे इन्होंने रिसेंटली ओडीडी क्रिकेट में 5 मैचेस में 4 विकेट्स निकाली है। जेडे एलन है 2 टी20 मैचेस में 2 विकेट्स है, लास्ट ईयर 1 मैच में 0 विकेट्स थी। एंजेलिना जेनफोर्ड की बात करें तो इन्होंने सिर्फ ओडीडी क्रिकेट खेला हुआ है रिसेंटली, ये फर्स्ट टाइम आपको बीबीएल में खेलती हुई दिखनी चाहिए। कुछ खास ऐसा किया नहीं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर सकती है थोड़ा बहुत। ओके बढ़ते आगे, बात करते हैं अब हम लोग ब्रिस्बेन हीट की। तो कुछ इस तरीके से ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11, कुछ इस तरीके से ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग ऑर्डर रहनी चाहिए। अब इनकी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखो, ये जो इनका टॉप फोर है ना, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेड माइने, अमेलिया केर, जेस जोनासन, ये इनके टॉप फोर प्लेयर्स है, ठीक है, क्वालिटी प्लेयर्स है। अमेलिया केर और जेस जोनासन तो ऑलराउंडर्स है। जॉर्जिया रेड माइने, ग्रेस हैरिस बहुत रन बनाते, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत रन बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो जेस केर, या अमेलिया केर की बहन है, जेस केर एक रिप्लेसमेंट प्लेयर है। पूजा वस्त्रकर और डैनियल व्हाइट एक्चुअली इस टीम का हिस्सा है, बट दोनों इंटरनेशनल मैचेस की वजह से अवेलेबल नहीं है। पूजा वस्त्रकर तो आपको पता है एशिया कप में खेल रही है, तो उसके बाद आपको ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, और जेस्कर जस्ट रिप्लेसमेंट है। ओके अब बात करते हैं इनके ओवरऑल स्टैट्स की। तो ग्रेस हैरिस देखो ओडीडी में रिसेंटली रन बना के आई है, बॉलिंग भी कर लेती, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेती, बढ़िया प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है। और अगर देखोगे तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, आप लास्ट ईयर की इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 7 मैचेस में 420 रन बनाए थे इन्होंने लास्ट ईयर, 7 मैच में 420 रन, और 32 का एवरेज था, 6 विकेट भी निकाली थी, तो गन प्लेयर है, ठीक है। जॉर्जिया रेड माइन देखो लास्ट ईयर 14 मैचेस में 437 रन, तो दोनों ओपनर्स ने बहुत रन बनाए थे। और रिसेंटली जो ओडीडी क्रिकेट खेला है वहां भी अच्छे फॉर्म में देखने को मिली है जॉर्जिया रेड माइन, प्लस विकेट कीपिंग करेगी। अमेलिया केर रिसेंटली 5 मैचेस की टी20 आई सीरीज खेल के आई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे। अगेन बहुत सॉलिड प्लेयर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट करके चलोगे। और बिग बैश लीग में 19 मैचेस में 200 रन है और 31 विकेट्स है, तो ये भी समझ के चलो कितने विकेट्स निकाले हैं, ठीक है। जेस जोनासन क्वालिटी प्लेयर है, टीम की कैप्टन है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, स्पेशली बिग बैश लीग में लास्ट ईयर 14 मैचेस में 21 विकेट्स निकाली थी और 100 रन भी बनाए थे, ठीक है। लास्ट ईयर बैटिंग में कुछ खास नहीं किया था, बट हाँ बॉलिंग में बहुत अच्छा किया था। और बाकी ये तो पिछले 4-5 टी20 मैचेस देखोगे तो 7 विकेट्स है। जॉर्जिया और रिसेंटली 100 लगा के ओडीडी क्रिकेट में, थोड़ा नोट करके चलना। कुछ खास इनके स्टैट्स नहीं है बिग बैश लीग में, बट थोड़ा लोअर डाउन ऑर्डर अच्छी प्लेयर है। लॉरा किमिंस भी 100 लगा के बिग बैश लीग में, थोड़ा सा इनका भी नोट करके चलना। लास्ट ईयर उन्होंने 148 रन बनाए थे, थोड़े से बड़े शॉट्स लगाने के लिए जानी जाती, कभी कभी प्रमोट हो सकती है बड़े शॉट्स लगाने के लिए, नोट करके चलोगे। स्ट्राइक रेट से पता चलता है 143 का स्ट्राइक रेट है। मिकेला हिंकली की अगर बात कर ले तो इनका भी अच्छा रहा है ओडीडी क्रिकेट रिसेंटली, अगर देखो रन बना किया, ये 100 लगा किया, ये थोड़ा नीचे बैटिंग करती है, बिग बैश लीग में कुछ ऐसे इंप्रेसिव स्टैट्स नहीं है। जेस केयर पिछले 5 20 मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बहुत अच्छी बॉलिंग करी, विकेट टेकर, इनका नोट करके चलना। निकोला हैंकॉक ओडीडी में देखो तो रिसेंटली विकेट्स निकाल के आई, ओवरऑल 54 विकेट से बिग बैश लीग में। ग्रेस पार्सन रिसेंटली ओडीडी क्रिकेट में 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लेग ब्रेक स्पिनर है। ओके चार्ली नोट राइट आर्म मीडियम में ओडीडी क्रिकेट में 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, और बिग बैश लीग में 9 मैचेस में 41 रन बनाए और 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हुई है। बेंच पे जो कुक है रिसेंटली ओडीडी में विकेट्स निकाल के आई है, ठीक है, राइट आर्म मीडियम में। कॉर्टनी ग्रेस सिपल देखो पिछले 5 ओडीडी मैचेस में हर मैच में 2-2 विकेट्स है और अपने करियर में बिग बैश लीग में 16 विकेट्स, ये गेम चेंजर बन सकते हैं, कोई प्लेइंग 11 में दिख सकती है इन प्लेस ऑफ चार्ली नॉट, और चार्ली नॉट की जगह पे, ठीक है। और एली जॉनस्टन है, ये लास्ट ईयर भी खेली थी, 3 मैच में 17 रन बनाए हैं करियर में, और बाकी ये ओडीडी क्रिकेट में थोड़ा सा खेली, कुछ खास नहीं किया है, तो थोड़ा सा नोट करके चलोगे। ओके तो अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेड माइने, अमेलिया केर, जेस जोनासन, ये आपके टीम में होने चाहिए 100%, ठीक है। इसके अलावा जेस केयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो एक अच्छी प्लेयर ट्राई कर सकते हो। निकोला हैंकॉक एक अच्छी प्लेयर है, इनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स की, हेली सुजीबेस, एशले गार्डनर, एलिस पेर, ये 4 तो आपकी टीम में होने ही चाहिए, इवन ओसोपे क्लस्टन, ये 5 आपकी टीम में होने चाहिए, तो 5+4 9 प्लेयर्स तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। रही बात 2 प्लेयर्स की, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उठा सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लॉरेन चिटले ले सकते हो, लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा किया था, एरिन बंस के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप उनको उठा सकते हो, ठीक है। तो ये 1-2 प्लेयर्स हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों बाय सेल के पिक्स चेकआउट कर लेते हैं इस मैच के लिए, ब्रिस्बेन हीट वुमन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स वुमन्स। तो सबसे पहले तो डैनियल व्हाइट अवेलेबल नहीं है, तो उनको पिक मत करना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे कर्टनी सिपेल को बाय कर सकते हो 20 में अगर पहले बॉलिंग है, यहाँ पे लॉरेन चिटले को बाय कर सकते हो पहले अगर बॉलिंग है, मैटलिन ब्राउन को थोड़ा सा सेल कर सकते हो स्पेशली सेकंड बैटिंग में, एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा सेल कर सकते हो एलिसा हिली को, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लगी है,
ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आप करना चाहो, आप ये कुछ प्लेस को पिक करना चाहो कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस एप्लीकेशन के हो तो यार वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, बिकॉज एक और दो प्लेयर्स के साथ आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरे 11 प्लेयर्स पिक करने की जरूरत नहीं है। जो प्लेयर आपको लग रहा है कि अच्छा करेगा उसे बाय करो, जो प्लेयर आपको लग रहा है कि फ्लॉप होगा उसे सेल करो। सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उस हिसाब से चलो। 1 पॉइंट मतलब 1 रुपया, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक है, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आपके पैसे ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, बेस्ट है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लो। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों ये जो 8 प्लेयर्स है मैंने अपनी टीम में पिक कर लिए हैं और मेरे टीम में रहेंगे, मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, अब हमें और 3 प्लेयर्स को पिक करना है। एक तो हम चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, तो सिंपली एक हमें विकेट कीपर पिक करना है, एक हमें बैटर पिक करना है, एक हमें बॉलर पिक करना है। ठीक है, अब चलते विकेट कीपर सेक्शन में, तो सिंपल चॉइस है एलिस हैली, सब लोग लेके आएंगे। बट जॉर्जिया रेडमाइन का सिलेक्शन देखो कितना कम है, कोई फोकस नहीं कर रहा है, बट ये कंसिस्टेंट प्लेयर है। ठीक है, फॉर्म भी बहुत अच्छा है, तो मैं रेडमाइन को पिक कर रहा हूँ, आप एलिस हैली को पिक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं हो। बिकॉज आउट तो कोई भी हो सकता है, बैटर एक बॉल में बंदा आउट हो सकता है, कोई भी हो बंदी आउट हो सकती है। ठीक है, और विकेट कीपर है, मान लो कि एलिस हैली जॉर्जिया रेडमाइन दोनों बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए, बट अगर विकेट कीपिंग में एलिस हैली को ज्यादा कैचेस मिल गई, स्टंपिंग का चांस मिल गया, तो वहां पे वो एडवांटेज लेके चली जाएगी, या फिर रेडमाइन को चांसेस मिल गए तो वो एडवांटेज लेके चली जाएगी, तो ये हो सकता है। ठीक है, बट मैं रेडमाइन को प्रेफर करूंगा जस्ट ड्यू टू हर फॉर्म। ठीक है, चलते बैटिंग सेक्शन में, ये 2 बैटर्स तो लेना ही है। थर्ड बैटर के लिए पब्लिक डैनियल व्हाइट को ले रही है, बट जो खेलने नहीं वाली है तो लेना मत। अब इसके अलावा एरिन बर्न्स है, ले सकते हो, नंबर 5 नंबर 6 पे आ सकती है। जॉर्जिया वॉल ले सकते हो, लॉरा केमिंस ट्राई कर सकते हो, मिकेला हिंकले ट्राई कर सकते हो। तो इन 4 प्लेयर्स, ये 4 प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखनी चाहिए, इनमें से जो भी आप लेना चाहो ना ले लो, स्पेशली जिसके पहले बैटिंग आप उसको प्रेफर करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने अभी के लिए एरिन बर्न्स को लिया बिकॉज थोड़ी बहुत बॉलिंग करती है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे बॉलिंग करेगी, बट हाँ आप कोई भी ले सकते हो। ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, बट ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां पे 2 बैटर्स के साथ काम चल जाता है, आप यहाँ पे सिंपली एरिन बर्न्स को ड्रॉप करके निकोल बोल्टन ले सकते हो। पूजा वस्त्रकर अभी अवेलेबल नहीं है तो इनकी तरफ मत देखना, बट आप निकोल बोल्टन को लेना स्पेशली गेम जैसे एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो अभी के लिए एरिन बर्न्स को ही लेते हैं। चलते बॉलिंग सेक्शन में, ये 2 बॉलर सबकी कंफर्म है जो मैंने पिक कर लिए है। थर्ड बॉलर के लिए 2 ऑप्शन है, चिटले सिपेल, ये दोनों में से मैं कोई एक सोच रहा हूँ, बट स्टेला कैम्बेल, लास्ट ईयर कुछ खास कैम्बेल ने किया नहीं था, बट ये बहुत अच्छी बॉलर मानी जाती है, फ्यूचर मानी जा रही है। ठीक है, तो कैम्बेल का थोड़ा नोट करके चलना, ये इनके लिए गेम चेंजिंग सीजन रह सकता है। निकोला हैंकॉक एक अच्छी एक्सपीरियंस बॉलर ट्राई कर सकते हो, बाकी कोई खेलता है तो हम लोग बात करेंगे, केट पीटरसन एक अच्छी यंग बॉलर ट्राई कर सकते हो, बट हाँ इसमें से अगर आप सेफ जाना चाहो चिटले को ले लो, थोड़ा रिस्क लेके खेलना चाहते हो तो सिपेल या फिर कैम्बेल को ले सकते हो। राइट नाउ आई एम गोइंग विद लॉरेन कर्टनी सिपेल, ठीक है, और कुछ इस तरीके से मैं टीम बना रहा हूँ, बट अगेन देखूंगा कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, पहले बॉलिंग किसकी उस हिसाब से मैं ये फाइनल बॉलर पिक करूंगा, बट राइट नाउ मेरी ये टीम बनती है। कैप्टन तो डिफॉल्ट है एमिलिया केयर, बट वाइस कैप्टनसी के लिए 2 अच्छे ऑप्शन है, एक तो मोस्टली पब्लिक एशले गार्डनर के साथ आ रही है, उसके अलावा जेस जोनाथन ऑप्शन। ठीक है, जेस जोनाथन के सामने जितने भी बैटर्स है ना सारे राइट हैंड बैटर्स है, तो जोनाथन इस बात का फायदा उठा सकते हैं, जोनाथन मोस्टली डेथ में बॉलिंग करते हैं तो 2-3 विकेट वहां पे निकाल सकते हैं, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। गार्डनर भी एक बहुत अच्छी प्लेयर है, यंग बहुत अच्छे फॉर्म में है, सेफ ऑप्शन है, मोस्टली पब्लिक ने उनको विसी किया और आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पे जेस जोनाथन के साथ जा रहा हूँ एज अ वाइस कैप्टन, तो ये हो गए मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन। फाइनल टीम में मैं हो सकता है गार्डनर को वाइस कैप्टन से दे दू। ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन से क्या ऑप्शन है, ग्रेस हैरिस प्रॉपर प्लेयर है, बॉलिंग भी कर लेती है। एलिस पेरी ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्पेशली बिग बैश लीग में बहुत अच्छा करती है। जॉर्जिया रेडमैन एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, सोपे एक्लिस्टन है। ठीक है, तो ये जो 3-4 प्लेयर है जिनको आप लोग मिनी जीएल जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली कर सकते हो, एशले गार्डनर डेफिनेटली इज देयर, ठीक है कर सकते हो, बट ये 4 प्लेयर्स ठीक है इनको आप लोग मिनी जीएल जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी टॉस के बाद, देखते हैं एक्चुअली इनकी प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर कैसी रहने वाली है, हमने जो बात करी मोस्टली वैसे ही रहेगी, बट फिर भी देखते क्या चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम में चेंजेस हो सकते हैं, और हमारी टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करके दे दूंगा आफ्टर द टॉस। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, बिकॉज नेक्स्ट मैचेस के वीडियोज भी आपको मिलेंगे और फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।